अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। दिस इज़ अ डेल इंस्पिरॉन 5593 लैपटॉप, कोर i7 10th जनरेशन है, 512 GB हार्ड ड्राइव है, SSD एंड 8 GB रैम। सो आए देखते हैं कि अनबॉक्सिंग इसकी किस तरह से है, क्या बॉक्स के अंदर है, और बाकी स्पेक्स वगैरह देखते हैं, इसकी फील लेते हैं। सो फॉरगिव अस, हमारे पास कोई प्रॉपर कटर नहीं था और हम बहुत एमेचर्स की तरह इसको कीज से फिर हमने थोड़ा सा टाइम लगा के ओपन किया। सो गाइस, फाइनली जो है हम इसको ओपन करने में कामयाब हो गए हैं और अब इसको खोल के देखते हैं कि अंदर के कंटेंट्स क्या हैं हमारे पास। तो गाइस, द लैपटॉप इज़ फाइनली आउट और अब हम इसको इसके कवर में से बाहर निकाल रहे हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, सिल्वर फिनिश में है, बहुत खूबसूरत फिनिश है इसकी। आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट्स एलुमिनियम और नॉट, बट इसका लुक जो है वो बिल्कुल एलुमिनियम फिनिश वाला है। सो गाइस, इनसाइड से ये देखें, प्रिटी नाइस। इस पर काफ़ी बैचिंग वगैरह हुई भी है, नथिंग स्पेशल। और ये एनवीडिया का 4 GB कार्ड है इसके अंदर, ये मैं स्टार्ट में बताना मैं भूल गया। सो दिस इज़ द मशीन, लेट्स पावर इट ऑन। चार्जिंग इसकी बिल्कुल ज़ीरो है, सो ये ऑन नहीं हो रहा, सो हम चार्जर इसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द चार्जर जो बॉक्स में इंक्लूडेड है, और इसको भी हम कनेक्ट करके इसको पावर ऑन करते हैं। सो गाइस, वी हैव कनेक्टेड द चार्जर और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, इसको ओपन करते हैं। वन थिंग बैड अबाउट सच लैपटॉप्स इसके, देखें वन हैंड ओपनिंग तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है इसमें। स्क्रीन ओपन करें तो साथ लैपटॉप भी ऊपर जा रहा है। दिस वेरी बैड कंसिडरिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, और 1.5 लाख से ऊपर ऑलमोस्ट ये 152-153 कॉस्ट कर रहा है। सो फाइनली गाइज, हमने इसको ऑन किया। बैकलेट कीबोर्ड है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। फुल HD इसकी डिस्प्ले है, 1080p। सो इसको हमने ऑन कर दिया है और अभी हम इसको कन्फिगर करते हैं। लेट्स सी कि क्या मेन्यूज़ हमारे पास आते हैं। गाइज, जहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा प्रोसेस, उसको हम स्पीड अप कर देंगे और साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम रीजन सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ रही है। उसके बाद कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट किया हमने, और सेकंड कीबोर्ड लेआउट हमें ऐड करने की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब हम अपना नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। वाईफाई का पासवर्ड हम इसमें एंटर कर लेते हैं अपना। सक्सेसफुली हमने जो है अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं, टेक्स्ट चेंज हो रहा है, इसको हमने स्पीड अप कर दिया है 4x। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं। और नाउ वी आर रेडी, विंडोज़ लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हमने और वेट किया, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब हम इस अपने सिस्टम को कन्फिगर कर रहे हैं अपने होम के तौर पे, ऑफिस के तौर पे। सो हमने जस्ट होम सेलेक्ट किया और हमने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अब हमने अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं यहाँ पे, वो ऐड करने के बाद हम आगे बढ़े और थोड़ा सा वेट किया। अब हम फिंगरप्रिंट को हमने अपना ऐड करना, साइन इन करने के लिए। इंटरेस्टिंगली मुझे काफ़ी टाइम लगा ये फाइंड आउट करने में कि इसका फिंगरप्रिंट रीडर कहाँ पे है। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया और बहुत मुश्किल से मुझे पता चला कि पावर ऑन बटन ही इसका
फिंगर प्रिंट रीडर है। एंड फर्स्ट मैंने अपने थंब को इस पे रजिस्टर किया, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन है थंब से। बाद में आप कोई और फिंगर भी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, तो मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को बाद में रजिस्टर किया, जो काफ़ी इसमें इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंगल वाइज। इट्स इजी, आप अपना पिन सेटअप कर सकते हैं, मैंने अपना पिन भी सेटअप कर लिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखें, आपको अपना 4-डिजिट पिन रख सकते हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी सारी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पढ़ के आप अपने लिहाज से अपने सिस्टम की प्राइवेसी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। गाइज, इसके बाद आपको ये कस्टमाइजेशन रिलेटेड ऑप्शंस दे रहा है, आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ये बाद में भी आप कर सकते हैं, बट इनिशियल सेटअप में ये तमाम ऑप्शंस आपको दे रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, जो जिनको मैं यूज़ करता हूँ या जो मेरे लिहाज से मुझे लगी, वो मैंने सेलेक्ट की। और उसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, यूज़ योर एंड्रॉयड फ़ोन फ्रॉम योर पीसी। अनफॉर्चुनेटली मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र नहीं हूँ, तो इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट मे बी शायद आप इसको आईफोन के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाद में, मैंने ऐसा कोई ऑप्शन देखा है, बट फॉर नाउ मैंने इसको स्किप किया। अपने वन ड्राइव के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर करके अपनी फाइल्स का बैकअप भी कर सकते हैं ऑनलाइन, कि इन केस आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाती है या सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, तो आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिन फ्रेंड्स को वन ड्राइव का आइडिया नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ गूगल ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनके क्लाउड किसी सर्विसेज भी हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। और अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, और विंडोज़ 10 जो है हमारी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर रहा है। सो लेट्स सी, इस प्रोसेस में दोबारा 40 सेकेंड्स ऑलमोस्ट लगे, उसको मैंने 4 times फास्ट कर दिया है। और ये सेटअप हमारा अब कंप्लीट हो गया है एंड वी आर लॉग्ड इन विंडोज़ 10। सो गाइस, इसके अंदर जैसे मैंने बताया, एनवीडिया का 4GB ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। उसके साइन इन रिलेटेड ऑप्शंस आ रही थी, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम सिस्टम के स्पेक्स चेक करते हैं विंडोज़ में से। और ये आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, विंडोज़ 10, इंटेल कोर i7 10 जनरेशन, 8GB इंस्टॉल्ड रैम है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं, और ये इसका इंटरफेस आ रहा है। आप इसको विंडोज़ 11 पे अपग्रेड कर सकते हैं, विंडोज़ 11 पे अपग्रेड पे भी मैं वीडियो बना लूँगा। और मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, उसका इंटरफेस ऑलमोस्ट मैक ओएस से मिलता जुलता है, काफ़ी डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं 500GB की जो है SSD इसमें इंस्टॉल्ड है। सो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें दीजिएगा, अगर आप कुछ और इस सिस्टम के मुताबिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।